वहीं जिला परिषद की विशेष साधारण सभा आज है। जिला प्रमुख रमा देवी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में बिजली, पानी, सड़क सहित आमजन से जुड़े अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन होगा, नरेगा योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन होगा और बैठक में जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधि और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विनोद, बताइए जरा इस बैठक को लेकर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या इसमें चर्चा रहने की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा सरकार के बाद ये जिला परिषद सभागार में होने वाली पहली अहम बैठक है जी। इसमें देखिए आमजन के मुद्दे तो होते ही है, जिसमें बिजली, पानी और सड़क आमजन से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब सर्दी का मौसम निकलने वाला है, उसके बाद बिजली, पानी और सड़क के काम तेजी से होंगे। बड़ी बात क्या है, देखिए लोगों को इंतजार था जी नरेगा में काम करने का। तो वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 का अनुमोदन होगा, जिसके तहत साल भर जो नरेगा के काम है जयपुर जिले में, जयपुर ग्रामीण 19 विधानसभा सीटों पर जहां जहां लाखों लोग हैं जो नरेगा से जुड़े हुए हैं, उनको काम मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इसमें आज अनुमोदन हो जाएगा, उसके थोड़े दिन बाद ही काम शुरू हो जाएगा। तो लोगों को इंतजार था कि सरकार धरातल पर काम तो कर ही रही है, साथ में अब नरेगा के काम भी शुरू होंगे। तो एक फेयर लिस्ट बड़ी है नरेगा के काम की, वो काम शुरू हो पाएंगे और जिला परिषद में ये अहम बैठक मानी जा रही है। इसी के साथ मैं बड़ी बात ये बता दूं कि जिला कलेक्टर सभागार में 11 बजे एक अहम बैठक हो रहा है, जयपुर में जयपुर ग्रामीण जिला स्तरीय जनसुनवाई व समाधान कार्यक्रम है जी। तो इसमें भी देखिए कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो अधिकारी हैं कलेक्टर से जुड़े हुए, SDM और ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव भी इस बैठक में जुड़ेंगे, वो सारी चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि किन चीजों पर बातचीत हो रही है, क्या निर्णय हुए हैं, किन चीजों का अनुमोदन हुआ है और आगे क्या काम होने हैं। तो सरकार की पूरी निगाह है, जिस तरीके से मुख्य सचिव को जोड़ने की बात सामने आ रही है, बिल्कुल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे, तमाम अधिकारियों की निगाह रहेगी, नरेगा के काम होंगे और अनुमोदन। बिल्कुल विनोद, ना केवल कार्यों की योजना बनाई जा रही है बल्कि मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किस तरीके से कार्य किए जाएंगे और क्या उस पर निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी।